الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वह इमिन करियत इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़बल यौम अल-क़ियामा। नहीं है कोई बस्ती ज़ारे जो कुफर करे कि हम उसे क़यामत से पहले बर्बाद कर देंगे, यानी बस्तियों का अंजाम क़यामत के दिन से पहले ही मौत दे के हलाक करना हो जाएगा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति, और हमें किसी चीज ने नहीं रोका। ये मनअना क्या सीखा है जी उलमाए इकराम? रयान भाई ये लाइट खोलेंगे जी भाई। मनअना इसम फाइल नहीं, इसम फाइल तो मानउन होता, फाइल के वजन पे होता या मुफइलुन के वजन पे होता। सर्फ कौन पढ़ा रहा है आपको? सर्फ पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहा है हम लोग? अच्छा दुरूस उन लोगों, उसमें ये माजी का सीखा नहीं पता चला अभी तक। माजी की किरदारें नहीं पढ़ी? फिर आते होंगे ना, मिक्स चलता है उसमें। हाँ जी, जमा मुतकल्लिम क्या सीखा होता है? बाब क्या आएगा? ये वाहिद क्या आएगा इसका? मनाआ यही आएगा। मनाआ मनाआ मनाऊ मनात मनाता मनाना मनाता मनातुमा मनातु मनाती मनातुमा मनातुन्ना मनातु मनाना। यहाँ क्या है? यहाँ भी मनाना है जी, वो मनाना है, ये है मनाना। सही, मनाना का मानी क्या है? हम सब ने मना किया, ये जमा मुतकल्लिम है, ठीक है। और मनाना ये दो अलग अल्फाज हैं। मना वाहिद मुजक्कर गायब, ना ये मफूल बनेगा, नून जमीर मफूल की है ये। सही, वमा मनाना और नहीं मना किया हमें, यानी नहीं रोका हमें, कोई चीज हमें नहीं रोकती। अगर ये होता मनाना जमा मुतकल्लिम तो होता नहीं हम किसी चीज को रोकते, या हम नहीं रोकते फिर आगे बात होती। यहाँ है नहीं हमें किसी चीज ने रोका, मना अलग है ना अलग है, समझ आ गई बात? तो जमा मुतकल्लिम होता तो क्या होता? मनाना, जैसे ज़रबना फतहना और समिअना कुलना, उसमें साकिन होता है जो लाम कलमा होता है। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति, कि हम भेजें अपनी आयतें। ये सलमान भाई आप ऑनलाइन बैठे हैं? हाँ जी, मैं कुवैत वालों की पूछ रहा हूँ, कुवैत वाले बैठ के मुझे मैसेज कर रहे हैं और आ नहीं रहे। सलमान भाई आप यूथ की फिक्र बाद में करें, पहले क्लास में तो आए जी। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, यानी अल्लाह ने बड़ा एक कहते हैं कि जुर्रत मंदाना बात की है, कहा हमें कोई चीज़ नहीं रोकती। अनूर सिला बिलायाती, ये जो निशानियां हमसे मांग रहे हैं, हमें कोई चीज़ नहीं रोकती कि हमें निशानियों को भेज दें, सही, अजाब को भेज दें या अपनी निशानियां दिखा दें। इल्ला अनकस दबा भी हलवल, क्या चीज़ नहीं रोकती सिवाय इसके कि पिछली कौमों ने उसको झुटलाया था। मकसद ये है, इसका पस मंजर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफारे मक्का ने कहा कि ये जो सफ़ा पहाड़ है ना, इसको सोने का बना दें, और ये जो दूसरी और पहाड़ियाँ हैं ना, इनको ख़त्म कर दें, तो हम क्या करें, ज़रा खेती बाड़ी करें, हम ज़रा अनाज उगाएं। आप अपना दावा करते हैं कि आप रसूल हैं तो ऊपर अल्लाह है, तो भाई अल्लाह को कहें ना ये सफ़ा पहाड़ सोने का बना दे और हमारे लिए खेती बाड़ी करने का मौका दे दे, तो क्या करें? लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये ईमान नहीं लाए ना, तो फिर क्या होगा? इन पे अजाब आएगा जैसे पहली कौमों पे आया था। तो हमें इन इन आयतों को भेजने से, इन निशानियों को भेजने से, इन ख्वाहिशात को पूरा करने से कोई चीज़ नहीं रोकती सिवाय पिछले वालों की आयतों को झुटलाना, सिवाय उनके झुटलाने की वजह से सिर्फ ये चीज़ रोकती है हमें। कि दो चॉइसेस हैं, या तो हम ये उतार दें और अगर इन्होंने कुफर किया फिर भी ये नहीं माने तो अल्लाह का अजाब आएगा, फिर अल्लाह की पकड़ आएगी, या फिर ए नबी आप इंतज़ार करें हम नहीं भेजेंगे। तो अल्लाह के नबी ने क्या चूज़ किया था? नबी अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार कहा, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, ये ईमान नहीं ला रहे,
इनकी आने वाली नस्लें ही मान लेंगी। और आज देख ले ऐसा ही हुआ, आज वो कुफर का जो एक मंबा था मक्का, जहाँ पे कुफर फैला हुआ था, शिर्क फैला हुआ था, आज वहाँ पे काफिर का दाखिल होना मना है। बहरहाल फिर दोबारा वसतें हो रही हैं, वसतें पैदा की जा रही हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन कई अरसे है सारा, ठीक है। वो आता ही ना समूद अन्ना का, मिसाल दी अल्लाह ने, भाई हमने तो समूद को नाका दी थी, समूद को हमने एक ऊँटनी दी थी बतौरे मौजज़ा, बतौरे निशानी, लेकिन उन्होंने भी उसका इनकार नहीं किया, इनकार किया बल्कि इनकार क्या किया, इन्होंने उसको कत्ल कर डाला, टांगे काट दी उसकी, मुबसिरा तन, इस हाल में कि वो वाजे निशानी थी, वाजे थी, वो उसको देखते थे, फज़लमु बिहा, तो इन्होंने उस पर जुल्म किया। वमा नुरसिलु बिल आयाती इल्ला तखवीफा, और हम नहीं अपनी निशानियां देकर भेजते मगर तखवीफा, डराने के लिए, मगर डराने के लिए। वाइस कुल्ला लका इन रब्बका अहाता बिन्नासी वमा जअलना रुय्या अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नासी वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरआनी। मैं सिर्फ एरिया सर काफिर का हरम के दाखिल होना मना या पूरा मक्का? मैं आपका सवाल नहीं समझा, थोड़ा वाजे करें। ये मुझे जहन में नहीं है। कुरान की आयत है कि उस जमीन पे काफिर दाखिल नहीं हो सकते, किसी को याद है तो बता दे। हरम का है ना, हरम के हुदूद है ना, हरम के हुदूद है, ठीक। जी, हाँ। अच्छा भाई, ये जो सवाल है ये मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड में लेता हूँ। वह इस कुल ना, और याद करो जब हमने कहा, ये इस जो है ना अपने अंदर उजकुर का माना लेता है, उजकुर, याद करो उसको। कुल ना, हमने कहा, क्या कहा? इन रब्बा का अहाता बिन्नासी, कि बेशक तेरे रब ने लोगों का इहाता कर रखा है, बेशक तेरे रब ने लोगों का इहाता कर रखा है, इसका क्या मानिए? अल्लाह को कामिल इल्म है शख्स के बारे में, और यानी अल्लाह ताला ने लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, उनका इहाता करके रखा हुआ है, कि पूरे जोर लगाने के साथ, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम का कोई नुकसान नहीं कर पा रहे, नबी अलैहिस्सलाम की दावत नहीं रुक पा रही। सबने सबने एक मीटिंग की थी ना कि भाई हज का मौसम है तो लोग आ रहे हैं पूरे अरब से, तो इनके खिलाफ करें, और हुआ क्या? खिलाफ तो बहुत दूर की बात, उन्हीं की मार्केटिंग हो गई, उन्हीं की दावत दूर दूर तक फैल गई, सही। तो ये इसका मतलब है भाई, कुल ना लका इन रब्बा का अहाता बिन्नास, अल्लाह ने लोगों का इहाता कर रखा है, लोगों को अपनी नजर में रखा है, पकड़ के रखा है, ताकि नबी अलैहिस्सलाम पे हमलावर ना हो सके। और फिर एक और बात कही, वमा जअलना रुय्या अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नासी वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरआनी। और नहीं हमने बनाया अर्रुय्या अल्लती अरैनाका, और नहीं हमने बनाया रुय्या को, अल्लती, वो जो आपको दिखाया, अरैनाका, हमने आपको दिखाया। अरैना का क्या सीखा है? जी उलमा इकराम, डालें थोड़ा घुटनों पे जोर डालें। जी क्या? अरैना का वाहिद मुतकल्लिम, अच्छा, माजी मारूफ मजीद, ठीक है, बात तो सही है। अब मजीद क्या है? देखिए, एक बाब आता है रा यरा, उस एक शख्स ने देखा, यरा इसका मुजारे है, वो देख रहा है या देखेगा। इसका मजीद फी आता है बाबे इफ़ाल, अरा यूरी इरा अतन। मजीद फी में क्या खास बात होती है, क्या माने में तब्दीली हो जाती है? बताया मैंने, बताया नहीं बताया भाई? जैसे है ना, खराजा, वो एक शख्स निकला, अखरजा क्या माना? उस एक शख्स ने निकाला, सही है। मजीद फी में जब बाबे फाल में चला जाता है तो एक माने का इजाफा हो जाता है, ठीक है। जहाबा, वो एक शख्स गया, अजहबा, वो एक शख्स ले गया, ठीक है। और क्या मिसाल हो सकती है? समया, उस एक शख्स ने सुना, अस्मा, उस एक शख्स ने सुनवाया, हो सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी ये मुतादी हो जाता है, मजीद मुतादी का माना हो जाता है इसमें, किसी को किसी पे ही वो फेल का वाक्य होना। तो रा यरा क्या माना है? रा यरा नहीं, रा यरा का क्या माना है? रई तू, रई ना, रई ता, रई तुन, रई तुम, देखना, खुद देखना,
रा उस एक शख्स ने देखा, रई तू मैंने देखा, रई ना हम सब ने देखा, रई ना हम सब ने देखा। इसको जब आप मजीद फी बाबे फाल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रा से अरा, जैसे खराजा से अखरजा हुआ, समया से असमा हुआ, तो रा से अरा हो गया। और इसी तरह इसी अरा का जमा मुतकल्लिम माजी मारूफ है अरैना, अरैना सही है कि हमने दिखाया आपको। का जमीर मंसूब मुत्तसिल है जो मफूल बन के आ रही है, क्या बन के आ रही है मफूल, भारी तो नहीं हो रही है सारी बातें, हो भी रही हो तो मैं क्या करूं, मैं तो बताने आया हूँ कि भाई भारी भी होती है कुछ बातें, पता होंगी तो मेहनत होगी ना, सब कुछ आसान आसान मिलेगा तो क्या मजा फिर उसमें। ये तो जुम्मे खुद में भी हो जाती है बातें, इमाम साहब आते हैं आयत पढ़ते हैं तर्जुमा करते हैं खत्म, ममा अलैना इल्लल बलाग, हाँ हमारे नज़दीक तो पहुँचा देना है बस। तो भाई ये जुम्मे को खुद में नहीं सुनने आ रहे आप लोग, ये रमज़ान के दुरूस नहीं चल रहे यहाँ पर, ये क्लास है इल्म है, और मैं जो दे रहा हूँ ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल लो कैटेगरी ऑफ इल्म है, वरना आप जब उलमा की किताबें पढ़ेंगे बड़े मशायख से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा इल्म बहता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, कोशिश करना है बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। फिर मैं कहूँगा तर्जुमा करने की सलाहियत होनी चाहिए, रट्टा तो हर कोई मान लेता है इतनी थोक के हिसाब से तर्जुमे पढ़े हुए मसाजिदों में मस्जिदों में घरों में, तो आप में और आम पढ़ने वाले में क्या फ़र्क हुआ। आप में ये फ़र्क है कि आप तर्जुमा करना जानते हैं, तर्जुमे की गलती पकड़ना जानते हैं, सामने वाला अगर गलत तर्जुमा करे आप समझ सकते हैं, ये आप में फ़र्क है, ये सलाहियत पैदा करनी है। रट्टू तोता नहीं बनना, मसाइल भी समझने, उसकी बुनियाद तफसीर भी समझनी है। ठीक, वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका, और नहीं हमने बनाया अर्रुया आपके ख्वाब को, तर्जुमा क्या करें, अच्छा इन्होंने किया मंजर सही है, और नहीं हमने बनाया वो मंजर जो तुझे दिखाया, रुया ख्वाब, रुया उस चीज़ पे इतलाक होता है जो दिखाया जाए, अब वो जो दिखाना है वो ख्वाब भी हो सकता है वो आम भी हो सकता है, और नहीं हमने बनाया उस मंजर को जो हमने आपको दिखाया था सिवाय इसके लोगों के लिए फितना बना दिया हमने। अब कौन सा मंजर, कौन सा मंजर है ये, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो, जी, दो माने हैं इसके, एक माना है कि इसरा और मिराज, वो जो आपको रात को मंजर दिखाया था ना हमने आपको, जो अल्लाह की आयात निशानियां दिखाई थी, वो हमने लोगों के लिए फितना बना दी, आजमाइश बना दी, कि जब नबी अलैहिस्सलाम रात को गए और सुबह निकल के मस्जिद सुबह बाहर आए तो कहा कि मैं रात को बैतुल मकद्दस से होके आ रहा हूँ और सातों आसमानों से होके आ रहा हूँ, हाँ तो बहुत से जो मुसलमान थे कम ईमान वाले वो मुर्तद हो गए, वापस पलट गए, तो अल्लाह ने कहा कि हमने आपके जो ये निशानियां दिखाई थी ये क्या थी, इसको फितना बना दिया हमने लोगों के लिए। सही, एक तो ये माना है, दूसरा ये है कि यहाँ वाकई नबी अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया गया था, कब, फतह मक्का से पहले, कि नबी अलैहिस्सलाम फतह मक्का करेंगे, न मक्का फतह करेंगे और ये कामयाबी हासिल होगी, तो नबी अलैहिस्सलाम जब हुदैबिया के मौके पर गए, मतलब जब गए उस तरफ तो हुदैबिया हो गई, नबी अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया, तो फिर बाज़ लोगों ने कहा कि भाई हम तो इस इरादे से आए थे और आपने तो हमें बताया था मक्के में दाखिल होंगे मक्का फतह करेंगे, तो हमें तो यार रोक दिया गया, तो ये रोकना उनके लिए भी क्या था, ये उनके लिए आजमाइश बन गया था, उन्होंने क्या करा, बाज़ लोगों ने, उनका भी ईमान इसमें कमज़ोर हो गया। आगे क्या कहा कि एक तो इसको हमने फितना बना दिया और शजरे मलऊना को हमने फितना बना दिया, शजरे मलऊना को हमने फितना बना दिया, तो शजरे मलऊना क्या है, बाज़ राजे मौक़ के और सही मौक़ के मुताबिक ये शजरा ज़क्कूम है जिसको अल्लाह ने कहा है कि ये जहन्नम में एक दरख्त होगा और क्या होगा, ये गुनाहगारों का खाना होगा। सही, तो ये भी फितना किस तरह था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आग है और आग के अंदर दरख्त है, आग में तो कुछ भी डाल दो आग ख़त्म कर जाती है, बड़ी बड़ी इमारतें आपने देखा होगा आग लगी और घंटों में मिनटों में सब नीस्त नाबूद, बिल्डिंग तक नहीं बचती, तो ये तो फिर भी दरख्त है, ये तो आग पकड़ता है, पत्ते आग पकड़ते हैं, तो ऐसा कैसा दरख्त हो सकता है कि जो आग में हो, तो इसने भी जो है उनको आजमाइश में डाला, लेकिन जो कामिल ईमान वाले थे उन्होंने सुना और उस पर ईमान ले आए। अल्लाह ने कहा कि हम लोगों को डराते हैं, हम तो लोगों को डराते हैं, लेकिन बाज़ औकात होता क्या है, फमा यजीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा, ये उनको डराना नहीं ज्यादती करता सिवाय इसके कि उनको तुग्यानी में, तुग्यानन कबीरा बड़ी तुग्यानी में, बड़ी सरकशी में मुब्तला कर देता है। तुग्यान क्या होती है, तो यानी ये पढ़ा था ना हमने किताब तौहीद में, ताहूत क्या होता है, ताहूत किससे निकला है, यही तुगयान से निकला है, इसका मतलब हद से बढ़ जाना। सही, कहते हैं ना नहर में तुगयानी आ गई, अभी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये जो सैलाब आया इसी वजह से तुगयानी आ गई, पूरा पूरा पानी आ गया, तो हद से बढ़ जाना, सरकश हो जाना, सरकशी हो जाना, तो नहीं इनको बढ़ाता सिवाय तुगयानी के। वैसकुल्ला मलाइकत जदूल आदमा फसा जदू इला इबलीसा,
जब हमने कहा, याद करो कि जब हमने मलाइका को कहा उस जुदू तुम सब सजदा करो आदम को, तो सब ने सजदा किया, फसा जदू तो सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, कौला उसने कहा असजुदू लिमन खलकता तीना, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसको आपने मिट्टी से बनाया है। कौला फिर कहा, किसने कहा, वही शैतान ने कहा, अरा आई तक हादल्लजी करमता अलैया, उसने कहा तूने देखा ये शख्स जिसे तूने मुझ पर इज्जत बख्शी, क्या आपने देखा, अल्लाह को कह रहा ना कि आपने जिसको मुझ पर क्या बख्शी, इज्जत बख्शी, लेकिन अखरतनी ला यौमिल कियामा, अल्लाह अगर तूने हमें मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दी, अखरतनी असल में ये था अखरतनी, अखरता अलग सीगा है नून मिकाया के साथ ये मनसूब होके अपनी तरफ या मुतकल्लिम के साथ, ठीक है, लेकिन अखरता नी अगर तूने मुझे मोहलत दी क़यामत के दिन तक, लाअहतनी करना जुर्रियत हूँ इल्ला कलीला, मैं इनकी जो जुर्रियत है उनको जड़ से मिटा दूंगा सिवाय, और बहुत कम लोग बाकी बचेंगे, यानी बहुत लोग इसमें मेरे वार से बच सकेंगे, जुर्रियत औलाद, लाअहतनी करना जुर्रियत हूँ इनकी जो नस्लें होंगी, किसकी, आदम की, आदम को सजदा करने को कहा था ना, कल अधब अल्लाह ने कहा जाओ, वमन तबिअक मिनहुम और वो जो तेरी इत्तिबा करें, फइन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअ मौफूरा, बेशक जो जहन्नम है ना वो उनकी जजा है, तुम्हारी जजा है, जजा हुकुम तुम्हारी जजा ही जहन्नम है, और ऐसी जजा जो पूरी होने वाली जजा है, जजा मौफूरा पूरी होने वाली जजा है, वस्तफ़िज़ मन इस्तता'ता मिन्हुम बिसौतिक, जाओ जिनको तुम अपनी आवाज से बहका सकते हो, बिसौतिक अपनी आवाज से जिनको बहका सकते हो जाओ बहका दो, वजलब अलैहिम बिखैलिक इन पर अपने बिखैलिक अपने घुड़सवार, अपने सवार लोग भी भेज, वरिजलिक वरजलिक और अपने प्यादे पैदल चलने वाले लोग भी भेज, व शारिक हम फिल अमवाल और इनके मालों में भी शराकत दार हो जा जाकर, वल औलाद और इनके औलादों में भी शरीक हो जा, वाइद हम और इनको बड़े अपने वादे दे, वादे कर इनसे, वमा याद हम शैतान अल्ला गुरूरा और नहीं शैतान ने वादा किया या नहीं शैतान करता सिवाय धोखे का, यानी अल्लाह ने खुला चैलेंज दे दिया, भाई जा जिसको तूने बहकाना है बहका दे, इन नाइबादी बेशक मेरे जो बंदे होंगे ना, लैसा लका अलैहिम सुल्तान उन पे तेरा गलबा नहीं चलेगा, सुल्तान किसको कहते हैं, सुल्तान के बहुत सारे मानिए, बादशाह को भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास ताकत होती है, सुल्तान दलील को भी कहा जाता है, दलील को क्यों कहा जाता है, क्योंकि दलील गालिब आती है तभी तो वो सुल्तान होती है, इसी तरह गलबे को भी सुल्तान कहा जाता है, बेशक मेरे बंदों पे तेरा कोई गलबा नहीं चलेगा, वकफा बिरब्बिका वकीला तेरा रब काफी कारसाज है, तेरा रब बहुत कारसाज है। यहां बस करेंगे, नमाज का टाइम होने वाला है, एक तो मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताए, मेरे एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बना है, तो उस पर बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं, तो वो जो क्वेश्चन हैं वो मुझे ग्रुप पे आ जाएंगे, जो भी सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, तो वो मैं उसको जवाब दूंगा, अब उर्दू में होगा इंग्लिश में होगा लेकिन वॉइस नोट की फॉर्म में होगा, क्योंकि दिन भर इतने सवाल होंगे मैं उसको टाइप करके जवाब नहीं दे सकता, तो हमें एक वॉलंटियर या दो वॉलंटियर्स चाहिए जो मेरे उस वॉइस नोट को सुनकर टाइप कर दे इंग्लिश में, सही है, और फिर वो सोशल मीडिया जो मैनेजर हैं वो उसको रिप्लाई कर दें स्टोरी पे या जो भी जहाँ पे उसने रिप्लाई जाना है, तो उस पर जो भी वॉलंटियर करना चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, तो सदका जारिया है ताकि आपके ज़रिए लोगों के सवाल हल हों, और फिर ये पोस्ट हो जाएगा उस पेज पे हमेशा हमेशा के लिए, जो भी आए सवाल सर्च करना देखना चाहे तो जवाब उसको मिल जाएंगे, तो वो जिसकी इंग्लिश सबसे पहले अच्छी हो, उर्दू भी अच्छी हो, मतलब इतनी उर्दू हो कि मेरी उर्दू समझ सके, और मैं भी ज़ाहिर जब जवाब दूंगा तो 100% उर्दू नहीं होगी, हो सकता है मैं भी इंग्लिश में जवाब दे दूं या मैं मिक्स एंड मैच बायलिंगुअल होकर जवाब दे दूं, तो आपने फिर बैरल जवाब अच्छे से टाइप करना होगा, और इसकी फिर एक कमिटमेंट चाहिए, ऐसा ना हो हम जवाब दें और आप दो दो तीन तीन दिन बाद उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, दिन में 15-20 मिनट आधा घंटा भी अगर कोई निकाल ले इस काम के लिए तो काफ़ी है इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी टाइम निकाल सकूं, एक मेरे लिए भी एक चैलेंज है, तो मैं निकाल लूं फिर दूसरा भी टाइम निकाल ले, ठीक है, ठीक आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बस मैसेज कर दें और फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा ट्रायल पीरियड गुजार लेंगे 2-4 दिन, मैं समझा अगर आप कर सके अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और को चांस दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, आप लोग ने उसूल हदीस पढ़ी है अभी, उर्दू में पढ़ी अरबी में पढ़ी, अरबी में पढ़ी, समझ आइए, ऊंचा बोले, नहीं किताब अरबी में थी, ट्रांसलेट करी है, पढ़ाई उर्दू में, जाहिर सी बात है यही तर्ज है हमारे यहाँ का, सवाल ये है समझ आइए, सर के ऊपर से तो नहीं गुजरी, कंटेंट समझ आ गया, हाँ देखें जब आप अरबी में कोई किताब पढ़ते हैं पहली बार उस सब्जेक्ट की, तो पहले आपको कंटेंट भी समझना है, अरबी इबारत भी हल करनी है,
सही, अरबी वाला भले इतना हल ना हुई हो लेकिन टर्म्स समझ में आ गई, कंटेंट समझ में आ गया। कह रहे थे कॉन्सेप्ट भी कंफ्यूजिंग है, कुछ टर्म समझ में नहीं आई, बहुत मुश्किल है, समझ आई 50%। आप लोग का भी यही हाल है? नहीं, सब कुछ समझ आना चाहिए, 80-90% समझ आना चाहिए। हसन लगैरी कौन सी हदीस होती है, मौजू कौन सी होती है, मकलूब कौन सी होती है, ये पढ़िए, ज़ईफ़ के एग्जाम पढ़िए, सही हदीस की शरायत कौन सी है ये पढ़ ली, समझ आ गई कितनी शरायत है। हाँ अच्छा, ये सवाल इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर आपको उसूल फिक पढ़नी है, सही है? तो जब आप उसूल फिक पढ़ेंगे, अगर आपको अरबी में ये उसूल हदीस समझ आ गई है तो हम उसूल फिक भी अरबी में रखेंगे, नहीं तो फिर ये उसूल फिक उर्दू में होगी किताब। लेकिन अगर आप लोग अरबी में कोशिश करें समझने की तो नूरुन अला नूर ये बेस्ट है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अभी से अरबी की प्रैक्टिस हो रही है, पढ़नी है ना आगे अरबी। इंग्लिश पढ़ना सीखी थी स्कूल्स में तो शुरू से ही सब कुछ इंग्लिश में था ना, साइंस भी इंग्लिश में थी, ज्योग्राफी भी इंग्लिश में थी, इस्लामियात भी इंग्लिश में थी, लेकिन उसके लिए बेसिक इंग्लिश होती, समझ आती थी तो करते थे। तो क्या ख्याल है, उसूल फिक उर्दू में करें? जी अरबी वाले कितने लोग हैं? हाँ ऑनलाइन वाले, अरबी वाले हाथ उठा लें, अरबी वाले हैंड रेस करें, 3 ऑनलाइन, 26 लोगों में से 4। देखिए उस्ताद तो उर्दू में समझाएगा, उस्ताद तो समझा नहीं आ रहा है, लेकिन अरबी भी साथ साथ समझ में आएगी ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा तो फिर हम अरबी नहीं लेके चलेंगे, उस्ताद शेख शेख निजाम होंगे। पेपर उर्दू में ही होगा, कोई हो सकता है इबारत दे दें आपको कि भाई इसको समझा दें, ये हो सकता है हो भी सकता है। 6 वोट आ गए अरबी के, ऑनलाइन मेजॉरिटी कह दिया कि जी उर्दू में नहीं होनी चाहिए, अरबी में नहीं होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए। 7 वोट हो गए, बाकी लोग सो रहे हैं या उनके नेगेटिव वोट हैं? अच्छा अब मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, कहाँ से होते हैं लोअर, हाँ अब जो उर्दू वाले हैं वो हैंड रेस कर लें कि भाई उर्दू में होनी चाहिए किताब। उर्दू वाले 3 हो गए, 5, 6, 7 और भाई टाई ना हो जाए, 8 बढ़ गए। और आप में से उर्दू वाले कौन है कि उर्दू में होनी चाहिए? एक हाथ उठ रहा है, 9। चले जी बड़ी नाजुक सूरत हाल हो गई है, चले ये आपके एग्जाम्स बताएंगे फिर फैसला करेंगे, आपके एग्जाम का रिजल्ट बताएगा फिर हम फैसला करेंगे, ठीक है जी। सुबह कल होंगे हम भी बच्चे, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، جناب علي خيريت سے ہیں؟ کیا ارادے ہیں زندگی میں؟ کون سے پاپڑ توڑنے ہیں بیلنے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ عربک سیکھنی، سیکھ تو لی اور کتنی سیکھو گے؟ آپ نے سیکھ تو لی اور کتنی عربی سیکھو گے؟ آتی نا، بولو عربی، بولو बोलो अरबी, आ गई अरबी बोलना आ गई, और क्या इतने लेम जोक्स क्लास में तुम्हारी में दे रहा हूँ जी। अल फ़ेल अल मुदारे मिन सुलासी अल मुजर्रद, और अगर फेल मुजारे मरफू हो तो वो मुख्तलिफ ज़मायर के साथ कैसे आएगा? अगर हरूफ असलिया हो नून ज़ा और रा तो फेल मुजारे कैसे आएगा? नून ज़ोर से कैसे आएगा? यन तो हुआ, यन ज़ोरू, और जमा के लिए हम यन ज़ोरूना, फिर हिया तन ज़ोरू, वहुन्ना यन ज़ोरना, अंता तन ज़ोरू, अंतुम तन ज़ुरूना, अंती तन ज़ुरीना,
अंतुन्ना तन जुरना आना अन जोरू व नहनु नन जोरू सही। अच्छा ये कौन सी इराबी हालत थी इसकी? हालत रफा। अगर फेल मुजारे आ रहा हो हालत नसब में, और फेल मुजारे हालत नसब में कब आता है? उससे पहले कौन आए? एक आता है लन, ठीक है। अगर फेल मुजारे से पहले लन आ जाए तो फेल मुजारे हो जाता है मंसूब। लन उसको नफी का माना करता है और मंसूब करता है। दूसरा होता है अन, ये भी फेल मुजारे को मंसूब कर देगा। और तीसरी हमने चीज देखी थी ली। ये तीन चीजें देखी थी, और भी कुछ देखा था? लन, अन और ली, ये तीनों अगर फेल मुजारे से पहले आ जाएं तो फेल मुजारे को क्या कर देंगे? मंसूब कर देंगे। अब फेल मुजारे हालत नसब में कैसे आता है? हुआ क्या हो जाएगा? यन जूरा, हुआ यन जूरू से यन जूरा। और हुम क्या हो जाएगा? यन जूरू, नून गिर जाएगा इसका। हिया क्या हो जाएगा? तनजुरा, हिया तनजुरा। और हुन्ना क्या होगा? हुन्ना ऐसे ही रहेगा यनजुरना, क्योंकि हुन्ना और अंतुन्ना जो है वो मुबनी होते हैं। फिर अंता क्या हो जाएगा? तनजुरा और अंतुम तनजुरू, अंति तनजुरी, इसका भी नून हट जाएगा। व अंतुन्ना तंजुरना, ये ऐसे कैसे ही रहेगा? आना अनजुरा व नहनु ननजुरा। सही, ये क्या होगा? फेल मुजारे मंसूब हो गया। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक किताब लिखूं, तो मैं कैसे कहूँगा? मैं चाहता हूँ उरीदु के मैं लिखूं, तो के लिए आ जाएगा अन, और मैं लिखूं के लिए क्या आ जाएगा? लिखूं, आना लिखूं कैसे? कतबा मुजारे क्या होगा? यक्तुबु, और अना के लिए अक्तुबु, अक्तुबु अना अक्तुबु, और अन की वजह से क्या हो जाएगा? अक्तुबा, उरीदु अन अक्तुबल किताबा। सही, तो ये अन ने क्या किया? इसको नसब कर दिया। लन, आपके अबू नहीं वापस आएंगे मस्जिद से, कैसे कहेंगे? अबू का नहीं आएंगे, लन के साथ अगर नफी करनी है, लन के साथ अगर करनी है, लन वापस आएंगे, वापस आने को क्या कहते हैं? लौटने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? जी आवाज सही आई है हल्की फुल्की यार जी। तो लन के साथ क्या हो जाएगा? अबू का लन यरजिया, ठीक है, रजा यरजिऊ, और लन की वजह से यरजिया मिनल मस्जिदी, और फिर वो आगे सेंटेंस पूरा बन सकता है। तो लन ने क्या किया? फेल मुजारे को मनसूब कर दिया, मस्जिद नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में, बल्कि तीनों केसेस में अगर लाम भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर वो फेल मुजारे को मंसूब कर देगा, ठीक है जी। और फेल मुजारे मंसूब किस तरह होता है? इसके तीन केसेस हैं। क्या तीन केसेस हैं? तीन, ये तो वजूहात हैं। केसेस क्या मतलब है कि फेल मुजारे को नसब करने के तीन तरीके हैं। वो क्या तीन तरीके हैं? अगर उसकी उसकी हालत रफा जो है वो जम्मा से जाहिर हो रही होगी तो उसके साथ क्या करेंगे? अगर हालत रफा जम्मा से जाहिर हो रही होगी तो नसब कैसे करेंगे? अगर हालत रफा जम्मा से जाहिर हो रही होगी तो नसब में क्या करेंगे उसके साथ? फेले मुजारे की अगर हालत रफा जम्मा से जाहिर हो रही हो तो हालत नसब में कैसे जाहिर होगी? फतहा से। अभी तो आपने किया यन जरूर था, हालत रफा जम्मा से जाहिर हो रही थी, हालत नसब इसको कैसे किया? यंजूरा कर दिया।
मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इस सवाल में क्या चीज़ क्लियर नहीं थी। अगर फेले मुजारे की हालत रफा जम्मा से जाहिर हो रही हो, ये बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? फेल मुजारे है, उसका एराब, एराब कहाँ पेश होता है? एंड में होता है। एंड में अगर जम्मा हो, जम्मा क्या होता है? पेश होता है। अगर आखिर में पेश आ रहा हो तो उसकी हालत रफ़ा पेश से आ रही हो, तो हालत नसब कैसे आएगी? फतह से आएगी। यनजुरु था, यनजुरा हो गया। यहाँ क्या था? तनजुरु था, तो नसब में क्या हो गया? तनजुरा हो गया। अंता क्या था? तनजुरु था, नसब में क्या हो गया? तनजुरा हो गया। आना क्या था? अनजुरु था, नसब में क्या हो गया? अनजुरा। नहनु ननजुरु था, ननजुरा हो गया। तो ये एक तरीका हो गया फेले मुजारे की हालत नसब को जाहिर करने का। दूसरा तरीका क्या होता है? जज़्म का नसब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहने की बात इस तरह है कि एक शख्स मुजक्कर है और मुअन्नस है, नसब है और जर है, या नसब है और जज़्म है, इसी तरह का मतलब है कि एक शख्स मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है। नसब जाहिर कैसे हो रहा है? यहाँ पे कैसे जाहिर हुआ? फतहा से। इसमें 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 और इसमें फतहा से जाहिर हुआ है। अब बाकी कौन बचा है? ये वाले बचे हैं, ये वाले बचे हैं, सॉरी, इन तीनों में क्या हुआ है? नून था, यनजुरूना था, और नसब करने के लिए क्या कर दिया? नून को गिरा दिया। यहाँ पे भी तंजुरूना था, नून गिरा दिया, और यहाँ पे तंजुरीना था, नून गिरा दिया। तो ये दूसरा तरीका हो गया फेले मुजारे का नसब जाहिर करने का। नहीं, और तीसरा तरीका क्या है जो इन दोनों पे एप्लीकेबल है? और वो क्या है? जो मबनी है अफाल, वो क्या होता है? वैसे ही रहेंगे। तो फेले मुजारे के अंदर जो मुख्तलिफ सीगे हैं, जमायर हैं, उसमें हालत नसब जो है वो तीन तरीकों से शो होगी। कुछ सीगे ऐसे हैं जिनकी हालत रफा जो है वो जाहिर हो रही थी जम्मा से, तो उनकी हालत नसब जाहिर होगी किससे? फतहा से। कुछ सीगे ऐसे हैं जिनकी हालत रफा जाहिर हो रही थी नून के मौजूद होने से, तो उनकी हालत नसब कैसे जाहिर होगी? नून को गिरा देने से। और कुछ सीगे हैं जो कि मबनी हैं, तो वो जैसे रफा में होते हैं वैसे ही नसब में भी रहते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही लिखते ना, मैं मतम गया ताकि मैं कॉफी पीऊँ। कॉफी को उर्दू में क्या कहते हैं? कॉफी कहते हैं। और तो अच्छा जी, मैं मतम गया, मैं मतम गया, मैं गया माजी है। अच्छा, जाने के लिए फेल क्या यूज हो रहा है? जाने के लिए फेल यूज कौन सा हो रहा है? जहाबा। इस पे तो मुत्तफक हैं, ठीक है। और वो गया कैसे कहते हैं? वो गया, वो गया कैसे कहते हैं? वो गया, जहाबा, वो गया। मैं गया कैसे कहते हैं? आपसे गुजारिश है, आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा खामोश रहें। जहाबा मैं गया में कैसे आएगा? जहाब, जहाब, जहाब ता किसके लिए होता है? अंती के लिए क्या होगा? जहाब ती। जहाब ता किसके लिए होता है? अंता के लिए होता है। अंता, जहाब ता। आना के लिए क्या होता है? जहाबत ता साकिन होता है मुअन्नस के लिए। तो मेरे लिए क्या होता है? वो फेल मुजारे, वो फेल मुजारे जिसमें शुरू में आ रहा है। जहाब तू, जहाब तू, मैं गया। कहाँ गया? इलल मतअमी, ताके मैं कॉफी पीऊँ कैसे कहेंगे? ली। और पीने को क्या कहेंगे? शीन, रा और बा। माजी क्या होता है इसका? शरीबा। और मुजारे होता है यश रबू। कॉफ़ी पीऊँ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुजारे का सीगा।
मैं कॉफी मैं पीऊं को कैसे कहेंगे? अशरबू, ठीक है। अब यहां पे आया है ये ली, तो ये ली क्या करेगा? ली अशरबा, अशरबू था, ये लाम ने आके क्या किया, इसको नसब कर दिया, ली अशरबा, और आगे कॉफी अलकहवा जी। और इसका इराब क्या होगा? कहवती, तो किस हालत में हुआ? कहवता होगा, मंसूब होगा, वजह वजह क्या है? नसब में आने की क्या वजूहत थी? मफूल, यहाँ पे क्या है? मफूल बन सकता है किसका? अशरब का मफूल बन जाएगा, ठीक है। मैं पीऊँ, क्या चीज़ पीऊँ? कहवा पीऊँ, तो ये इसका मफूल बन जाएगा, तो मंसूब हो जाएगा। तो ये लाम ने क्या किया? फेल मुजारे को मंसूब कर दिया, ठीक है जी। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि अब आपको आदमी के लिए वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अगर आप मुजक्कर रहने दें फिलहाल, तो उसमें सिर्फ जमीर का मेरा कहने का मतलब है, यानी वो सब मुजक्कर से मुराद ब्रैकेट में जमीर। युरीदुना, बारकल्लाहु फीक, युरीदुना वो सब चाहते हैं। इसको हर किसको हटा दें। चलो अच्छा, अब करना है के वो ना जाएं। के लिए क्या वर्ड आता है? अन। और ना जाने के लिए क्या आएगा? अच्छा, अब अन आ गया तो फिर लन एक साथ फौरन मुश्किल है। तो और क्या तरीका होता है नफी करने का? ला, मुजारे में ला ज्यादा कॉमन होता है। युरीदुना अन ला जाएं, वो सब तो फेल में जमीर में आ जाएगा ना, सब मुजक्करों की बात हो रही है ना, जमा। वो सब चाहते हैं कि वो ना जाएं। जाने के लिए क्या फेल था? जहाबा, मुजारे क्या होगा? यज़हबू। और उन सब के लिए क्या होगा? यज़हबू, यज़हबू, क्योंकि अन की वजह से क्या हो जाएगा? नसब हो जाएगा, तो ये नून गिर जाएगा। युरीदुना अल्ला यज़हबू यूनिवर्सिटी इलल जामिया, जामिया का इराब क्या होगा? मजरूर। और कल को क्या बोलेंगे? गदन, अम्स होता है गुजरा वक्त। अच्छा, इस अन ला को एक और तरीका क्या होता है लिखने का? अल्लाह, अन ला को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? अल्लाह, ये चैप्टर नंबर 19 से जो पिछले वाला पेज है, यानी 18 के बिल्कुल एंड में, अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 18 के बिल्कुल एंड में, उसमें आपके पास देखें लिखा हुआ है अल्लाह, जिसको अंदर वो क्या है? अन और ला। और अन की वजह से क्या होता है? फेल मुजारे मंसूब हो जाता है। इसलिए आप देखें क्या लिखा हुआ है, अरजू अन तदखुला औ अल्ला तदखुला। असल में क्या था? तदखुलु हालत रफा में, और नसब होने की वजह से क्या हो गया? तदखुला, ठीक है जी।
इसमें कोई बात अगर वाज नहीं है तो बरए मेहरबानी बता दें। नहीं होती है ये, तो ये नहीं नहीं थी ना, ये नफी थी, नफी है। नहीं और नफी एक साथ जमा नहीं करते। नहीं तो कह रहे हैं जमा करके बताओ ना सवाल में, तो सवाल फर्जी सवाल में तो जमा कर रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी तो लेके आओ जमा करने के। नहीं तो हाँ हाँ नहीं वाला नहीं। जी बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर फेले मुजारे को मज़ूम करना हो, कौन सा फेल मुसारे है? मिसाल के तौर पे दा रोसा, ये किस बाब से आते हैं? यद रुसु से। तो हुआ के लिए क्या हो जाएगा अगर हम इसको लम के साथ लगा लें? हुआ लम यद, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? यद रुस, ये साकिन हो जाएगा सीन। ठीक है, लम यद रुस, माना जो है माजी का चला जाएगा कि उसने नहीं पढ़ा। हुआ लम यद रुस, ठीक है। और होम के लिए क्या हो जाएगा? होम लम यद रुसू, यहाँ पे भी असल में क्या था? यद रुसू ना, और लम की वजह से क्या हो गया? फेल मुजारे मज़ज़ूम हो गया। तो ये सीगा मज़ज़ूम कैसे होता है? नून को गिरा के। फिर हिया पे आएंगे तो क्या होगा? हिया लम तद रुस, ठीक है। और हुन्ना के लिए लम यद रोस ना, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कैसा फेल है? मबनी है। अंता लम तदरुस, अंतुम लम तदरुसू, अंती लम तदरुसी, पहले कैसा था? तदरुसी ना था, नून गिरा दिया तो लम तदरुसी। अंतुन्ना लम तद रुसना, और अना के लिए अना लम अद रुस, व नहनु लम नद रुस। और लम के अलावा और कौन फेले मुजारे को मज़ज़ूम करता है? लम मज़ज़ूम करता है, और कौन मज़ज़ूम करता है? लम्मा करता है, लम्मा भी मज़ज़ूम करता है, और लन तो नसब करता है, ला नाहिया जो होता है वो मज़ज़ूम करेगा। हमने ये तीन चीज़ें ही देखी है मेरे ख्याल में गालिबा। अब आप ऐसा करें, सीन कौफ और ता, इसका मतलब क्या होता है? गिरना। इसकी आप पहले एक कोशिश ये कीजिएगा, मुझे पता है बहुत चैलेंजिंग होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी के इधर उधर देखे, पहले इसके फेल माजी की पूरी आप तसरीफ लिखें, फिर फेल मुजारे मरफू की लिखें, फिर मंसूब की लिखें, और फिर मज़ज़ूम की लिखें। किसी से पूछे बगैर करें तो आपको फायदा होगा, अगर पूछ पूछ के करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहले फेल माजी किसकी करें? हुआ हुम हिया हुन्ना अंता अंतुम। फिर मुजारे हालत रफा की करें, हालत नसब की करें, और हालत जज़्म की करें। कहवा मफ़ूल था, पर फेल मंसूब क्या हुआ?
आपका जो सवाल है, सॉरी मैंने देखा नहीं पहले, लास्ट सेंटेंस में कहवा मफूल था पर फेल मंसूब क्यों हुआ अशरबा? फेल जो है वो लाम की वजह से, ली अशरबा वो लाम की वजह से मंसूब हुआ था।
जी माजी में क्या हो जाएगा? हुआ, सका, ता, हम, सका तू, हिया, सका कत, हुन्ना, सका सका ही चलता रहेगा, सका तू, सका कत, हुन्ना, सकत ना, अंता, सकत ता, अंतुम, सकत तुम, अंति, सकत्ति, अंतुन्ना, सकत्तुन्ना, अना,
सकत्तु व नहनु सकत्ना। जी इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ जो कि वाज़ह ना हो, पहचान में ना आ रही हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर है तो बराए मेहरबानी बता दीजिएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वाज़ह है, ओके। अब जब आते हैं मुज़ारे पे, तो ये सकत से मुज़ारे क्या बनेगा? यस्कुतु, हुआ यस्कुतु एंड हुम, नसरा यंसुरु से ना, तो सकत यस्कुतु, यस हुम यस उतूना, हिया तस कुतु, हिया तस कुतु, हुन्ना हुन्ना यस किया है, नहीं किया है, किया है क्या? यस कुतना हुन्ना, यस कुतना, अंता अंता, तस कुतु, अंतुम तस कुतुना, अंती तस कुतीना, अंतुना तस कुतुना, अना अस्कुतु व नहनु नस्कुतु। अब ये था मरफू, मुजक्कर और वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस, गायब हाज़िर। ये जी सेट पैटर्न पे ही चल रहा है ना, इसलिए आप कोई और फेल भी लाएंगे वो इसी पैटर्न पे चलेगा। या यहाँ पे आएगा, ता यहाँ पे आएगा, ता यहाँ पे आएगा, ता यहाँ पे आएगा, हमजा यहाँ पे आएगा, सेम ही पैटर्न है। याद से बेहतर है कि आप सीधे पहचाने कि जब मैं करूँगा तो ये शुरू में हमजा के साथ बोलूंगा, मैं लिखूंगा तो बोलूंगा अख्तुबु, हम लिखेंगे तो नहनु के साथ, नून के साथ बोलेंगे नख्तुबु। रट्टा मार भी लेंगे, रट्टे से ज्यादा आपको असल फायदा है पहचान का। जब आप पहचान लेंगे तो ये लिखना कोई मसला नहीं है, जहन में बैठ जाएगा कि ये चीज़ किस तरह बोलते हैं, तो फिर पहचानने में मसला और लिखने में मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो जहन में नहीं बैठ रहा कि कौन सा किस माने के लिए आ रहा है, तो फिर मसला होगा। वो प्रैक्टिस के साथ होता है ना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अच्छा, अब इसी को मनसूब करना हो ये तो और आसान है। यस कुतु से क्या हो जाएगा? यस कुता, और यस कुतुना से क्या हो जाएगा? यस कुतु, तस कुतु से क्या हो जाएगा? तस कुता, यस कुतना से यस कुतना ही रहेगा, अंता तस कुता, अंतुम तस कुतु, अंती तस कुती, अंतुन्ना तस कुतना, ऐसे ही रहेगा, अना अस्कुता, नहनु अस्कुता। और मज़ूम करना हो तो अब सिंपल इन वालों को चेंज करना होगा, हुआ यस कुत, यस कुतु ऐसा ही रहेगा, तस कुत, यस कुतना ऐसा ही रहेगा, तस कुत, तस कुतु, तस कुती, तस कुतना, अस्कुत व नस्कुत। जी इसमें कोई चीज अगर वाज़ह ना हो, ये एक दिन में करने की चीज नहीं है, ये एक दिन में नहीं होगा। पढ़ पढ़ के पहचान में अगर आ रहा है, पहचान में कि कौन सा सीगा अगर लिखा हुआ हो तो वो किस जमीर के लिए है, माजी का है, मुजारे का है, ये अगर पहचान में आ रहा है, ठीक है, लास्ट अल्फाबेट पे देखें फिक्स्ड है, ठीक है, लास्ट अल्फाबेट्स पे तो फिक्स्ड है। अगर हालत रफा में होगा तो कैसे आएगा, नसब में होगा तो कैसे आएगा, जज़्म में होगा तो कैसे आएगा, वो तो हर फेल के लिए ऐसा ही होगा, फेल मुज़ारे का, ठीक है। नून सब नूनों पे क्या आ रहा है? फतह आ रहा है, वो नून का फतह ही रहेगा, वो कभी भी इसमें जम्मा या कसरा में तब्दील नहीं हो रहा। तो आप एक आध बार और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से याद होगा। अगर आपको ये हेल्प करता है कि आप याद करके कर लें तो आप याद करने का टाइम निकाल लें। जी इस टेबल की तरह याद होता है, लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट में आता है तो याद नहीं आता, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है याद नहीं आता का
मसला ये ना कि आप उसको उसके माने पे फोकस नहीं कर रहे होते ना। अच्छा जी, पहले ये क्या लिखा हुआ है इसको जरा पढ़ के अगर बताएं। अल यौम ज़हबना हामिदुन इलल मस्जिदी, सही है, वा अच्छा अब मुझे इसका माना बताएं, ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? हाँ नाश्ता, फतूर का मतलब नाश्ता, ठीक है। अब आपने एक चीज डिसाइड की कि या तो आप इसको माजी में बोलेंगे या आप इसको मुजारे में बोलेंगे, या तो उसने कर लिया या वो करेगा, आज जाएगा फिर करेगा करेगा, या आप कह रहे हैं कि उसने कर लिया उसने कर लिया, किस पे डिसाइड करना है? माजी पे करना है, ठीक। अलयौम का इराब क्या बनता है? अलयौमा, अगर आज का दिन कहना होगा तो आप इसको मनसूब पढ़ेंगे ज़र्फ़ के एतबार से अलयौमा। ज़हबना हामिदुन, अब ज़हब जो है वो फेल है, हामिद कौन है उसका? जब फाइल जाहिर हो जाता है तो फेल कैसा आता है? वाहिद का आता है। ज़हबना के साथ मसला क्या है? ये जमा मुतकल्लिम का है, इसको हमें हामिद के हिसाब से बनाना है तो क्या बनेगा? ये सिंपल बन जाएगा, ये ज़हबा, ज़हबना हट जाएगा। हामिद गया, इलल मस्जिद पढ़ना है आपको, इसको कसरा के साथ तो ये अलिफ आपको हटाना पड़ेगा। ये अलिफ जो है वो कहाँ पे आता है? मंसूब में आता है, वो भी तनवीन के साथ, तो ये अलिफ यहाँ पे गलत था, इस अलिफ को हटाना पड़ेगा। अब है फजर की नमाज से पहले, फजरन यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है? मंसूब, तो इसको भी आपने हटा दिया। फजर मारफा या नकरा है? इसको मारफा बनाना पड़ेगा अल के जरिए, ठीक है, क्योंकि फजर का माना वैसे होता है, ठीक है। अल फजर किया, ये फजर की नमाज है, दो वर्ड्स का आपस में क्या ताल्लुक है? मुजाफ मुजाफ इलैह, ये मुजाफ इलैह, ये तो कौन सी हालत में होगा? जर में। ये मुजाफ है तो इस पे क्या नहीं आएगा? अल नहीं आएगा, तो आपने इसका अल हटा दिया। ये हो जाएगा सला तिल फजरी। सलात का इराब क्या पढ़ेंगे? वो आपने देखा इससे पीछे क्या है? कबल, कबला। इसको कबला क्यों पढ़ा है? जर्फ है, ये जगह का बता रहा है या वक्त का बता रहा है, ठीक है। तो ये जब जर्फ है, जर्फ अक्सर मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये मुजाफ हो गया तो ये इसका क्या बनेगा? मुजाफ इलैह होने की वजह से सलातिल फजरी। बनाने को तो आप बना देंगे लेकिन मानने के तौर पे नहीं बनेगा ना। फजर जो है वो नमाज की सिफत नहीं है, फजर की नमाज है, फजरी नमाज नहीं है, फजरी नमाज हो तो। अच्छा अब रजाउ, रजाउ का फाइल कौन है? ये वाहिद का सीगा है, ये जमा का सीगा है, हमें किसको लौटाना है? हामिद को। अगर जमा को लौटाना होगा तो पीछे कॉन्टेक्स्ट में कोई जमा के माने में चाहिए होगा, पीछे कोई है नहीं, तो हामिद कैसे लौटेगा? रजा बादा सलातिन। अब बेहतर होगा कि इसको बाद सलाती कहा जाए, क्योंकि हमें नमाज पता है कौन सी वाली नमाज की बात हो रही है, तो ये नकेरा नहीं है टेक्निकली, ये मारफा है, खैर फिर भी ऑप्शनल है आपकी मर्जी। सुम्मा, फिर क्या किया? अकला, उसने खाया ना अका, या इसको आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? अकलत पढ़ सकते हैं, तो क्या कैसे बन जाएगा? मोनस के लिए। अगर इसको अकलता पढ़ेंगे तो अब बात सारी हामिद की चली थी, अचानक से आप खाने के टाइम पे क्या करने लगे? थोड़ा कंट्रोल कर लें, नमाज उसने पढ़ी, खाना भी उसको खाने दें। सुम्मा अकला, उसने खाया। अब ये खाया, अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता, खाने के बाद ये वाव आ गया, तो वाव क्या कर रहा है? वाव तो अतफ कर रहा है ना, इसको एक फाइल चाहिए, या तो फाइल जमीर बनेगी पीछे, या फिर ये बनेगा, या तो फाइल इसके अंदर कोई जमीर होगी जो पीछे से कंटिन्यू होकर आएगी, या फिर इसका फाइल ये बनेगा, क्योंकि वाव तो सेंटेंस को आगे फिर भेज देगा अलग, तो या इसके अंदर जमीर होगी या इसका ये फाइल बनेगा। अगर ये फाइल बनेगा तो इसका क्या इराब होगा?
रफा। अब अगर आप इसको फाइल बनाते हैं तो अकला फेल जो है वो लाजिम है या मुतादी है? खाया, मुतादी है ना, किसी चीज को खाएंगे ना। तो अकला फेल जब मुतादी है तो इसको कौन चाहिए? मफूल। अगर आपने इसको फाइल बना दिया आगे जुमला अलग हो जाएगा तो फिर इसको बेहतर क्या सेंस बनता है, चाहे आपको इसका मतलब नहीं भी पता। ज्यादा रीजनेबल बात क्या है कि इसके अंदर जमीर उसका फाइल बना दें कि हामिद खा सकता है तो हामिद को खिला दें, फतूर को मफूल बना दें तो सेंटेंस फेल फाइल मफूल सेंटेंस मुकम्मल हो गया। फिर यहाँ पे एक अलग जुमला शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे फेल आ गया। अब इस फेल के साथ क्या मसला है, ये मुजारे में हम बात सारी चला रहे हैं कहानी माजी की, तो अब इसको मुजारे में लाना सही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, वह खराजा इला जामिया। अगर इसी को आप मुजारे में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्यौम यज़हबु हामिदुन इला मस्जिद क़ब्ल सलात الفجر व व यरजे, ये वाव ऐसे रहेगा, व यरजे बाद सलात सुम्मा याकुल الفطوره व यخرج الى الجامعه। अब आपकी मर्जी, आपने क्या कॉन्टेक्स्ट डिसाइड किया, लेकिन फिर अफाल उस हिसाब से आप चलाएंगे, ठीक है। अब आपने अगर पहचान लिया कि कौन सा वाला कहाँ पे गलती आ रही है तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही कर देंगे जी। अब मर्जी आपकी है, ठीक है, कि आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप ले जाएंगे, आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे हामिद को कटा देते, आप जहब ना कर देते, फिर आपको सारी कहानी किस पे चलानी पड़ती, फिर आप हम पे चलाते, ठीक है। अल्यौम ज़हबना इलल मस्जिद क़ब्ल सलातिल फज्र व रजअना बाद सलाति सुम्मा अकलना अल फतूरा व खरजना, माजी खरजना इलल जामिया। अगर आप मुतकल्लिम पे इसको मुजारे में करते हैं तो अल्यौम नज़हबु इलल मस्जिद व नरज व नकुल व नखरुज, ठीक है। खरज इला हो सकते क्या ना, चल सकता है, जहा के साथ भी मिना सकता है, खराजा के साथ भी इला सकता है, चल सकते हैं, जहाँ की तरफ जाना हो जहाबा कर दें, आप इसको खराजा की जगह जहाबा कर दें, ये भी सही है, नहीं इतना नहीं, मीनिंग सही होना चाहिए, ठीक है जी। अब अगर सेंटेंस सही नहीं भी था, आपको उसका अगर माना किसी हद तक समझ में आ गया, अब उस माने के हिसाब से आपने सिर्फ ट्वीकिंग करनी है, ठीक है। नुसूस में तो ग्रामर सही होती है, आपको उसमें पहचानना होता है, इसमें सिर्फ एक एडिट स्टेप है कि आप माना थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम नुसूस की बात नहीं कर रहे, तो माना आपका आगे पीछे हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, माना आप वाजे कर लें कि क्या माना देना है, उस हिसाब से जो आप उन वर्ड्स को आगे पीछे कर लें, ठीक है जी। ओके जनाब, अगर कोई फिर भी सवाल हो, इंशाल्लाह हमारी एक आध क्लास और रहती है तो इंशाल्लाह उसमें भी हम कर सकते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर हो सके तो कुछ चीज़ अगर आपको ऐसी हो जो आपको वैसे भी परेशान करती है तो पहले से उसको थोड़ा सा देख के आइएगा, इन द सेंस कि कम से कम आपको पता होगा क्या पूछना है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। कब्श किसको कहते हैं, कब्श, कब्श ही नहीं, हाँ मेंढे को कहते हैं, कब्श मेंढे को कहते हैं, और अमलाह चितकुबरा, दो कलर वाला, दो ऊपर और कलर है, नीचे और कलर है, सफेद और काला जैसे होता है ना मेंढा। नबी इस्लाम कौन सी कुर्बानी करते थे, अक्सर आपने मेंढे किए, दो मेंढे। अहले अरब के अंदर जब शराब की हुरमत उतरी तो कितनी चीजों से शराब बनती थी, पांच, कौन सी हैं वो, अंगूर, खजूर, शहद, जौ और गंदम। गंदम बित उन शरीयत में यानी हदीस में आपने पढ़ा, बित उन, बित किस शराब को कहते हैं, बित, सुइला अनिल बित, बेत कहते हैं उस शराब को जो शहद से बनी जाए, शहद से बनने वाली शराब को बेत कहते हैं। बाताइन यहूदियों का एक ऐसा कारनामा जो मजमूम था, कोई दो ऐसे कारनामे बताएं जो बहुत ही ज्यादा काबिले मुजम्मत थे, और वो दोनों चीज हैं, नहीं जी, इसमें हदीस में एक जिक्र हुआ है किताबुल्ला शरीफा में, किताबुल्ला शरीफा में यहूदियों के कारनामे का जिक्र है, वो क्या है, क्या तेल, हाँ चर्बी उन पर हराम थी तो वो चर्बी को पिघला कर
तेल बनाकर इस्तेमाल कर दो, कहते चर्बी आराम है, तेल तो आराम नहीं है ना, जैसे मछली वाला किया था। और दूसरा मशहूर जो चीज है वो हक को छुपाते थे, मर्द पर कौन सा लिबास आराम है, और दो कलर आराम है, येलो और रेड, रेशम का इतना जो चार उंगली के बराबर हो इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई खारिश वगैरह है या जुमे पड़ी हुई है। जी जी जर्द जर्द जी जी खालिस मिक्सिंग हो तो फिर जायज, वो भी ऐसे ही है, उसी में आ जाएगा। सुर्ख खालिस सुर्ख जो हो जाए, अगर उसमें कलर में मिक्सिंग आ जाए हल्का हो तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन खालिस प्योर हो बिल्कुल। अच्छा ये बताएं रसूलुल्लाह सल्लम के बाल तीन तरह से थे, कौन से वो लफ्ज बताएं, तीन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जी वो तो थे लेकिन आपने नाम बताना है। जी लिखा हुआ होगा नबी इस्लाम के बालों के तीन नाम लिखे हैं, अब आपने लिखने आगे। जी अब ढूंढे हम, अच्छा बताएंगे। जी लुम्मा जुम्मा वफरा, ये है लुम्मा और ये है जुम्मा और ये है वफरा। जी जी लुम्मा कहते हैं जो कंधे से टच कर रहे हैं बाल। जी और जो कंधे और दोनों के बीच में हो जुम्मा, तो जो बिल्कुल कान तक हो तो वो वफरा। हफ्ते जुमेरात के बाद जुम्मा, जो ये दरमियान में हो बाल, कंधे और कान के दरमियान में। काम की लो तक है तो ये अफरा। सात ऐसे हुकूक जो रसूलुल्लाह सल्लम ने मुसलमान के ताल्लुक से अपनाने का हुक्म दिया, वो तहरीर करें। सलाम, सलाम का जवाब देना है, सलाम करना, सलाम करना, दावत कबूल करना, छींक का जवाब देना, बीमार है तो यादत करना, जनाजे में जाना, हो गया खैर खाई करना, ये मौजूद है या मौजूद नहीं, खैर खाई करना उसके साथ। इदा लकिया फसल्लिम अलैह, जब मुलाकात करे तो सलाम करना। नबी इस्लाम कौन सी अंगूठी पहनते थे, सोने के कभी पहनी आपने, पहनी थी फिर आपने उतार दी जब हराम हुआ, तो उसके बाद चांदी की पहनते थे। चांदी की जो पहनते थे उसका जो नगीना था वो कौन सा था, रेड का, अच्छा ब्लैक, ब्लैक होता था, अस्वद होता था, हबशी, क्या लिखा हुआ था उस पे, मोरी नबूवत लिखा हुआ था। अब उस जो नगीना उस पर कैसे लिखा जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर जो सोने की अंगूठी थी ना उसमें हबशी नगीना था, जो चांदी की अंगूठी है तो उसमें सिर्फ अंगूठी पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, बतौर मोहर के इस्तेमाल करते थे। और नबी सलम पहनते कैसे थे अंगूठी, इसी तरह पहनते थे लेकिन ऐसे कर लेते थे, ऐसे यानी यूं अंदर करते थे इसके से, जी मोहर लगी, यानी लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरह लिखा हुआ था कि लफ्ज़ अल्लाह ऊपर, ठीक है, फिर रसूल, फिर मोहम्मद, यूं तरतीब से ऊपर से यूं नीचे लफ्ज़ अल्लाह को, इसको भी इसमें भी मुकद्दम कर रखा था। जी क्योंकि आपकी एक मोहर थी, मोहर छुपा के रखी जाती, दाएं अंगूठी में, दाएं में पहनते थे या बाएं में, बाएं में, दाएं में, बाएं में नहीं, बाएं में भी पहनते थे आप, दोनों में पहनते, अक्सर दाएं में पहनते थे आप, लेकिन बाएं में भी पहनी है आपने। और आपकी जो अंगूठी ज्यादा कौन सी उंगली में होती थी, सबाबा में, नहीं इसको क्या कहते हैं, बिनसर, ये खिनसर है, ये बिनसर है, ये वुस्ता है, ये सबाबा है, ये बहाम है, नाम लिख दूं,
ये तो इम्तिहान में आप लोगों ने लिखना है ना, इम्तिहान ऐसा है कि माशाल्लाह बिल्कुल ये बात। टिश्यू के आपने जरूर पैकेट लेकर आने, 30-30 रुपए 40-40 का जो आते हैं वो आपके सामने, कभी आंसू निकल रहे होंगे कभी पसीना। खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा, इबहाम, अंगूठा, अंगूठे के साथ तशहुद वाली उंगली, इसको सबाबा भी कहते हैं और सब्बाहा भी कहते हैं। सीन से सब्बाहा, सबाबा और सब्बाहा। जी जी चीचक, चीचक ही बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं, चुंगली, चुंगली, हाँ चुंगली बिल्कुल, चुंगली ये चुंगला, ठीक है, ये दरबियार वाली, बाकी तो वही आपको पता है, ये मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रहा, समझ रहे हैं ना बात। जी हबशी, हबशी आपको जिहाद की अकसाम के हवाले से कुछ मिला था, बस मिला था ना, अच्छे तरीके से उसको देखकर आइएगा, उसमें ये लिखा होगा जिहाद की 13 अकसाम पर जरा जामे नोट लिखिएगा। जी वैसे तो टाइम जो है ना बुरूज में जो टाइम है ना पेपर का वो 2 घंटे, तो मैंने उनसे दरखास्त की आप लोगों को 3 घंटे देने में, क्योंकि इंशाल्लाह अगर आप तेजी के साथ लिखेंगे ना तो 1 मिनट बच जाएगा आपका, 3 घंटे में पेपर हल हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ने मुजाहिद के साथ क्या वादा किया, नहीं जो हदीस आपने पढ़ी उसमें अल्लाह ने क्या वादा किया, नहीं नहीं जो हदीस में पढ़े वो बताए ना आप। एक वादा यह है कि या तो उसको सही सालिम मालिक गनीमत के साथ वापस भेज देगा, सही सालिम मालिक गनीमत के साथ वापस भेज देगा उसे, और अगर वो शहीद हो गया तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, ये वादा कर रखा है अल्लाह ने। नबी इस्लाम अगर किसी मुजाहिद को इनाम देते थे तो इनाम का तरीका कार क्या होता था, दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं सल्ब किस माल को कहते हैं, सल्ब सीन लांबा, इम्तिहान आपके सामने पेपर पड़ा हुआ उसमें लिखा सल्ब की तारीफ करें, हाँ आप ये कहते हैं जो जिस काफिर को मारेगा उसका माल उसी का हो जाएगा, ये सल्ब है, फलहु सल्बहु, वैसे जो उसको तत्व, हम तत्व ही कहते हैं उसको। जी जी कल क्यामत के दिन वो कौन सा शख्स है जिसके लिए मैदाने महशर में एक चीज पेश की जाएगी, किसके लिए क्या चीज पेश की जाएगी, खाली जगह पुर करें, मैदाने महशर में अव्वलीन और आखिरीन होंगे, किताबुल जिहाद है, ठीक है, और एक शख्स को बुलाया जाएगा और उसे एक दी जाएगी चीज, वो किसे बुलाया जाएगा और क्या चीज दी जाएगी, जी देख ले क्या हालत होने वाली आप लोगों की, हैं अभी तैयारी नहीं की, शाबाश बिल्कुल सही, गद्दार को बुलाया जाएगा और गद्दारी का झंडा दिया जाएगा उसे, बिल्कुल जी, हादी गदरतु फुलाने, कुरा किसे कहते हैं, अल कुरा काफ रा अलिफ ऐन, कुरा कुरा, आज की क्लास से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने वाला है इम्तिहान में, हाँ जी सवारी से कुछ जहन में आ रहा है ना, घोड़े
जी जिहाद के लिए जो तैयार किए जाते हैं उनको कहते हैं। तजमीर किसको कहते हैं? तजमीर कैसे तैयार किया जाता है? तजमीर शुदा घोड़े। जी पहले खूब खिलाकर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुराक कम की जाती है जिस्म को मजबूत करने के लिए, थोड़ी सी हीट भी दी जाती है उनको ताकि ये जिस्म इनका थोड़ा सा टाइट हो जाए। यही वजह है नबी इस्लाम ने तजमीर शुदा और गैर तजमीर शुदा और घोड़ों का जब मुकाबला करवाया तो क्या फर्क रखा सामने? तजमीर तजमीर हाँ तजमीर शुदा घोड़ों की जो मसाफत है वो ज्यादा थी, गैर तजमीर शुदा घोड़ों की मसाफत कम थी। तजमीर लिखवा लें, जो चीज भी लिखवा रहे हैं आप लिखवाएं। आज मैं लिख रहा हूं फिर आप लोगों ने लिखना इंशाल्लाह। किस सहाबी को किस जंग में किस वजह से नहीं लिया गया? जी अब्दुल्ला बिन उमर को जंगे जंगे ओहद जंगे ओहद में क्यों नहीं लिया गया? उमर 14 साल थे। फिर किस जंग में किस सहाबी को क्यों लिया गया? जंगे खंदक में इब्ने उमर को इसलिए ले लिया गया कि वो 15 साल के हो गए थे, मुजाहिद के लिए बालिग होना शर्त है। जी जिहाद फर्दे आयन जब हो जाए ना, फर्दे आयन जब हो जाए उस वक्त फिर जिस तरह नमाज फर्द है तो फिर आप नमाज को पहले फोकियत देंगे उसके बाद दूसरों की बात मानेंगे, वो तब है। वो तीन सूरतें होती हैं जब आप पर हमला हो गया, आपके मुल्क पर हमला हो गया या हाकिम ने नफील आम का हुक्म दे दिया तब, वगैरह ना वालिदैन की इजाजत के बगैर आप नहीं जा सकते। सबको कहा गया सब निकलो जिहाद के लिए, सब ये नफील आम होती है। नहीं किस शख्स से रसूलुल्लाह ने नाराजगी करते हुए कहा था फलीस मिन्ना? किताबुल जिहाद में। जी किताबुल जिहाद में फलीस मिन्ना। चलो मैं अरबी पढ़ देता हूं तो उसके बाद मन हमला अलैना सलाह फलीस मिन्ना। अब तो कर लें हथियार उठाता है अपने मुसलमान भाई के खिलाफ हथियार उठाएगा यानी उसी के खिलाफ जिहाद शुरू कर देगा तो फलाही समझना, हमसे ताल्लुक नहीं उसका। शरीयत में अल यदुल उलिया और अल यदुस सुफला की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है। यदुल उलिया से क्या मुराद है? देने वाला हाथ, यदुल उलिया। यदुस सुफला से मुराद लेने वाला हाथ। क्या रजुल कुल आ गया ना, कुल में उमूम का माना आ गया ना। कितनी किस्म के जानवर ऐसे हैं जो कुर्बानी में कुर्बान होते हैं? चार किस्म के, मुजक्कर और चार मोनस, टोटल आठ हो गए। क्या शर्त है इनकी कुर्बानी के लिए? इसको क्या कहते हैं दो दांत को, क्या कहते हैं? मुसिन्ना। मुसिन्ना दो दांता होना। दो दांता कौन होता है? दो दांता से क्या मुराद है? जिसके सिर्फ दो दांत हो 32 में से, जिसके सामने वाले, ये सामने वाले दांतों को क्या कहते हैं? सनाया। ऊपर वाले उलिया और नीचे वाले सुफला। सनाया वाले नीचे वाले दो दांत, सुफला वाले गिरने के बाद दो दूसरे दांत आ चुके हों, वो ये जो दांत है ना, ये वाले आम दांतों के मुकाबले में थोड़े से चौड़े और मोटे होते हैं, उसको कहते हैं मुसिन्ना, दो दांता। मुख्तलिफ जानवर की उम्र से ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है? यानी आप कहेंगे ये दो साल का लिहाजा कुर्बानी में लग जाएगा तो नहीं, उम्र का नहीं बल्कि दो दांता होना शर्त है। वो 1.5 साल में हो जाए, वो 2 साल में हो जाए, वो 2.5 साल में हो जाए, नहीं। बकरा जो है ना, देखिए इसका, इसके पीछे भी मौसम का बहुत बड़ा, हालात खुराक का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। अब बाल बकरे ऐसे हैं 2 साल भी हो जाते हैं लेकिन वो दो दांते नहीं हो रहे होते। अच्छा खीरा किसको कहते हैं? खीरा जो दो दांता नहीं है। जजा किसको कहते हैं हदीस में, जिसकी इजाजत मशरूत दी गई है? जजा किस जानवर को कहते हैं, किस उम्र का होता है, किसके लिए इजाजत है कुर्बानी के लिए? तीन सवाल हैं। जजा किस जानवर को कहते हैं, किस उम्र का होता है, किसके लिए इजाजत है? एक साल का बकरी या भेड़ का, दुम्बे का बच्चा, एक साल का, भेड़
या दुम्बे का, बकरे का, एक साल का बच्चा, और उसके लिए इजाजत है जिसके पास, यानी दो सूरतें आ जाएं, कुर्बानी करना चाह रहा है इतने पैसे ही नहीं, इतना जानवर महंगा हो गया ले ही नहीं सकता वो, तो उसके घर में अगर ये है या इस कीमत में आ रहा था वो ले ले। दूसरा ये है कि पैसे तो है, जानवर ही नहीं मिल रहा, जानवर ही नहीं ऐसा, तो ये कर सकते, वो तो उससे ऊपर वाला तो जायज है ना, चार वाला कर लें, छह वाला कर लें, जजा कर सकता है फिर, एक साल का, दो दांता नहीं हुआ फिर भी कर सकता है, तीरा ही होता है ये, एक साल, जा जीम जा आइन गोलता, जजा लिख लें, ये भी लिख लें, मैं लिख रहा हूं, खीरा सलाद में खाया जाता है, खीरा इसी को कहते हैं, खीरा कहते हैं जो दो दांता ना हो, दो दांता ना उसको खीरा कहते हैं, और ये भी खीरा ही होता है एक, बिल्कुल वैसे लिखेंगे, दो दांता से पक्की उम्र का हो जाता है, वरना वो खीरे की तरह कच्चा ही होता है वो, जी सुफला, सुफला सनाया सुफला, जिसके दो दांत, ये लिखा तो है मैंने, ओलिया, कैदी आजाद, कोई ऐसा कैदी है जिस पर सजा हो चुकी है और वह मजलूम है, तो उसको आजाद कर दे, कफारा ही है, नहीं वो नहीं जी, क्या औरत जानवर जमा कर सकती है, आयशा सदी कर सकती, क्या औरत छिपकली मार सकती है, जिस्म का वो कौन सा टुकड़ा अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक होता है, चले वो कौन सा टुकड़ा अगर खराब हो जाता पूरा जिस्म खराब हो जाता है, दो तीन तो ऐसे भी देना, कम से कम आपको वो आता भी तो कुछ भी तो आया ना, ऐसा तो नहीं सारे में आप ना ना लिख दें, आप कुछ ऐसे भी सवाल होंगे एक दो इंशाल्लाह। लुकमान अल इस्लाम को उनके, इनको बड़ा फसी और बलीग और समझदार कहा जाता है, उनके जो दौर के बादशाह थे उन्होंने कहा था ना जानवर जबा करो और दो बेहतरीन चीजें लेकर आओ, तो क्या लेकर आए थे, दिल और जबान, फिर कहा एक और बकरी जबा करो सबसे बुरी चीजें लेकर आओ, फिर क्या लाए थे, दिल और जबान, उन्होंने कहा ये क्या चक्कर, उन्होंने कहा ठीक हो जाए तो सबसे बेहतरीन है ये चीजें, और अगर यही खराब हो गई तो सारी चीजें खराब हो गई, दिल और जबान, जी तफसीर है, नहीं इसमें नहीं है, ये जनरल नॉलेज है, उसके भी सवाल आएंगे, जबान और दिल का आपस में क्या ताल्लुक है, तर्जमान है, अल्लिसान तर्जमान अल-कल्ब, ये भी लिख लें, वो जो कायदा कुलिया है हदीस में, हलाल बिल्कुल वाजे और हराम भी बिल्कुल वाजे है, ये किस सहाबी से हदीस मरवी है, हलाल चीज बिल्कुल वाजे है और हराम चीज भी बिल्कुल वाजे है, दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबे चीजें हैं, जो मुश्तबे चीजों से बच गया उसने ईमान को बचा लिया, इज्जत को बचा लिया, ये इस्लाम का वन थर्ड हिस्सा ही हदीस, तीन हदीस है ना इस्लाम का मजमुआ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, और तीसरी मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, ये किस सहाबी से हदीस मरवी है, सहाबा इकराम से, अजीम सहाबी से मरवी है, ये लिख दें, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु, नुमान बिन बशीर, नोट सिर्फ ये वाली हदीस, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला का खास वाकया भी है, खास वाकया मैंने बताया था वो, जी हाँ, बेटे को तोहफे में गुलाम दिया था, तो अब बीवी ने दूसरी फरमाइश क्या रखी थी, एक तो ये थे कि मेरे बेटे को गुलाम तोहफे में दो, दूसरी फरमाइश क्या रखी थी, गवाह बनाओ, नबी इस्लाम को इसका गवाह बनाओ, तो गवाह बना दिया, क्या हुआ फिर, बिल्कुल आपने पूछा था कोई और अलग का बनून उन सिवा और बेटे हैं तुम्हारे, उन्होंने कहा जी हाँ हैं, तो आपने सबको दिया, कहा नहीं दिया, तो आपने फरमाया जुल्म पर मैं गवाह नहीं बन सकता, तो अगर
जी अगर उसने अपना जाती सरमाया लगाया तो वो उसको मिना करेंगे नहीं, बस फिर बराबर होगा, बराबर होगा, बिल्कुल इंसाफ यही है, क्योंकि फायदा भी वही उठा रहा है, फायदा भी वही उठाता है। सबकी रजामंदी से हो सकती है, सबकी रजामंदी से। क्या खरगोश हलाल है हराम है? अच्छा, सांडा हलाल है हराम है? गो हलाल है हराम है? जब का क्या मतलब है? सांडा। गलत मतलब क्या है? गो। जो कुत्ता ऐसा हो कि शिकार की तरफ छोड़ा जाए और उसने शिकार कर लिया फिर भी शिकार हराम है, इसकी वजह क्या होती है? जी बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं छोड़ा और उसमें से कुछ खा लिया और तरबियत शुदा नहीं था और एक तो ही बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तरबियत शुदा नहीं था, उसने कुछ खा लिया और नहीं जी बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा जाता है। जल्दी बताइए, चौथा सवाल है, मतलब ये जी जी हलाल है, हलाल है। फिर नहीं है, लेकिन ये बताएं आप अहम वजह बताएं, एक शिकार है और शिकार में शिकारी कुत्ते नहीं किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के भी छोड़ी थी। हाँ ये असल, और कुत्ते शामिल हो गए, कुत्ते के रिश्तेदार आ गए वो भी शामिल हो गए। एक और वजह भी है, सिर्फ एक ही कुत्ता था या आपने चलो तीर मारा, कुत्ते को छोड़े, कुत्ते को साइड में कर, तीर मारा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के और सही जाके लगा उसको, ठीक है। अब ये हराम है दो शर्तों के साथ, दो वजह से हराम बन जाएगा। नंबर एक, एक वजह ये बताई कि आपने मारा लेकिन उसकी चोट से मारा, वो खून नहीं निकला। दूसरा, खून निकला है फिर भी हराम है कब? हाँ बोले बोले, जब वो जख्मी हालत में पानी में गया और वहां मरा हुआ मिला है आपको, तो हो सकता है वो आपके तीर की वजह से ना डूब कर मरा हो। मुहरिम जो हालत हराम में होते हैं उनके लिए कौन सा शिकार हराम है? पानी का हलाल है, लेकिन जमीन का भी हराम होगा कब? खुद तो नहीं कर सकते, अगर किसी और ने किया तो वो हलाल है। हाँ, अगर ना उन्होंने हुज्जाज के लिए किया, ना हुज्जाज ने उनकी मदद की, उन्होंने अपने लिए किया था, कुछ हिस्सा भिजवा दिया, तो जायज है ना जायज है? फिर जायज है। आपने जानवर का शिकार किया और जख्मी हालत में आपको मिल गया तो आपने क्या करना है? ज़िबा करना। कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से शिकारी कुत्ता रखा जा सकता, जानवर रखा, कुत्ता रखा जा सकता है? चार वजूहत है, घर की हिफाजत, खेत की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत, माल की हिफाजत। माल की जानवर एक ही हो गई, शिकार, शिकार बुनियादी तौर पर दो ही चीजें हो गई, बिल्कुल। अच्छा, कौन सा कुत्ता ऐसा है जिस कुत्ते को रखने की वजह से कुत्ते के अजर में कमी होगी? जी 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 जी, शौकिया रखता भी वही है ना, ठीक है जी, समझ रहे। सुबह और शाम एक एक किरात, एक किरात सुबह और एक शाम जी, बहुत पहाड़ के बराबर। कौन सा वो अमल है जिसकी वजह से दो किरात आपको अजर मिलता है? जनाजा और तदफीन। अगर कुत्ता पाला है ना किसी ने तो एक सुबह की रात कम होगा, एक शाम को कम होगा, शौकिया तौर पर कुत्ता पाला किसी ने। घोड़ा हलाल हराम? हलाल है। जवाब की आवाज नहीं आ रही, वो जवाब मैं दे रहा हूं, ठीक है इंशाल्लाह जी। बतख भी हलाल है, बिल्कुल हलाल है। और जनाब कौन सा गधा हलाल है? जंगली गधा, जंगली गधा हलाल जी। घरेलू गधे की हुर्मत का हुक्म कब उतरा? खैबर के मौके पर। खैबर के मौके पर दूसरी कौन सी चीज हराम हुई? निकाय मुता। मेंढक को कत्ल करने का क्या हुक्म है? मेंढक, मेंढक नहीं देखा तुमने? हाँ नहीं पता मैं, जल्दी से बताएं। नाजायज है, नहीं कत्ल कर सकते, मना, इसलिए कि वो खाया नहीं जाता। सूप, क्या चाइनीज खाते हैं सूप बनाकर पीते हैं उसको,
जी मना है, मेंढक के कत्ल का हदीस में मना है। अच्छा, कराची में पिछले 2 हफ्ते पहले तकरीबन को 35,000 गधे की खाले पकड़ी गई हैं, करोड़ों रुपए की है, ये बाहर जा रही थी, घोष कहाँ गया, कभी सोचा आप लोगों ने? अच्छा, ये तहकीक भी इसमें शामिल थी, इसका गोश्त लाहौर में सप्लाई किया गया। खाल बहुत महंगी है इसकी, गधे की खाल बहुत महंगी है, और इसलिए लोग खाल के चक्कर में इसको बेचते हैं। जब वो फेंक देते हैं ना इसका गोश्त, दूसरे कहते हैं क्यों फेंके इसको, इसका फायदा उठाते हैं, छोटी छोटी बोटियां की, रोस्ट किया और चले भाई, ये बन गया शवारमा। ठीक है, खाल से फायदा उठा सकते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك। नहीं, खत्म हो गई जी। हाँ, नाखून, दांत, दांत, अच्छा सवाल था, रह गया, ये आएगा, कुछ नहीं। हाथ की उंगलियों के नाम, ये देखिए पहले लिखा हुआ है खिंसर, चले मैं उसको लिख देता हूँ ब्लैक कलम से, ठीक है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है इसको, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां बताएं, ये क्या है, क्या लिखा, असनान, किसको कहते हैं, दूसरा नंबर, ऐसा भी लिखा होगा, ये भी सवाल बनेगा, ठीक है, 2 साल हो गया काम बस, ठीक है, और ये पढ़ें इसको, जुफर, किसको कहते हैं, ये हो गया नाखून, ये क्या है जी, दांत, शाश, दांत है, असनान जी, सिम की जमा है ना, असनान, कान, ओदोनन, और ये क्या है, अनफुन, और ये क्या है, लिसानन, बिल्कुल ऐसे इस इम्तिहान में इंशाल्लाह ऐसे ही लिखा होगा, नाक, कौन से जी, पालतू कुत्ता, पालतू कुत्ता भी नाजायज रखना। सुभान अल्लाह, हम अभी हम भी शुक्र यात्री क्लास है ना हमारी, कल भी है जी, तमाम है।